Welcome, EIV, Everyday Informative Videos, subscribe channel, and click bell icon, for more upcoming videos. वो अभी खैबर की नहीं भूले, जुम्मा को यहूदियों ने कनाडा में रैली निकाली, तस्वीर इस रैली में उठाए गए एक प्लेकार्ड की है, जिस पर मुसलमानों के लिए तंजन लिखा लिया है, खैबर आपका आखिरी मौका। यकीनन ये तमाचा तमाम मुसलमानों के मुंह पर है कि तुमने जो करना था वो 1400 साल पहले कर लिया। अब तुम सिर्फ जज्बाती नारों और खाली बदवाओं के अलावा कुछ नहीं कर सकते। प्ले कार्ड पर लिखे गए अल्फाज साफ बता रहे हैं कि यहूदी आज खैबर की शिकस्त नहीं भूले, लेकिन हम मुसलमानों ने क्या याद रखा। हम सब कुछ भूल कर दोबारा वही गलतियां कर रहे हैं। हम शायद भूल गए हैं कि चंगेज खान ने कैसे हमारे खून की नदियां बहाई। हम शायद भूल गए हैं कि जब भला भला खान बगदाद में मुसलमानों के कटे सरों का मीनार बना रहा था, उस वक्त हमारे उलमा मुखालिफ खलीफे को नीचा दिखाने की तदबीरें सोच रहे थे। जब हमें अंदलस से धक्के मार कर निकाला गया, तब हमारे शहनशाह मुख्तलिफ किस्म की शराबों के चस्के ले रहे थे। हम शायद भूल गए हैं कि जब फलस्तीन से मुसलमानों का कब्जा छीना गया, तब तो हमारे दरमियान सुई की नोक पर बैठने वाले फरिश्तों की तादाद पर मनाजरे हो रहे थे। हम तुर्की की छीनी गई खिलाफत को भूल गए, आज तक कभी दोबारा खिलाफत का ख्याल नहीं आया। हम हिंदुस्तान पर मुसलमानों के इक्तदार के खात्मे को भूल गए। हम ये भी भूल गए कि हमारे शेर सुल्तान टीपू को शिकस्त दिलवाने वाले हमारे अपने थे। हम भूल गए कि हमने एक रियासत इस्लाम के नाम पर हासिल की थी। हम आज किस तरफ लेकर जा रहे हैं। काश हम कुछ ना भूलते, काश हम कुछ ना भूलते, काश हम भी रात तबाही पर इसराइल अमेरिका को बताते कि ये तुम्हारा आखिरी मौका था, उससे आगे मत बढ़ना। काश हम भी शाम लीबिया फिलिस्तीन कश्मीर को ना भूलते, मगर अफसोस हमने सब कुछ भुला दिया। हम भूल गए कि हमने मुत्तहिद होकर रहना है। हमारे उलमा भूल गए हैं कि हमने माजी में भी आपस की रंजिशें और जाली फलियों की कीमत उम्मत की लाशें देकर पूरी करवाई है। हमारे बादशाह भूल गए अपने मुल्कों में मंदिर जुए खाने और शराब खाने खोलने से मुशरिक हमसे राजी नहीं हो जाएंगे। काश हम आज भी सब कुछ याद कर लें। हम याद कर लें कि हमारे बड़ों ने जाली मनाजरों और एक दूसरे पर फतवे लगा कर शान और शौकत हासिल नहीं की थी। काश हम याद कर लें कि हमें अपने बड़ों की तरह खामोशी से साइंसी दुनिया में इंकलाब पैदा करना है। हमें याद रखना है कि हमारे दुश्मन अपनी शिकस्तों को आज तक नहीं भूले। वो अपनी खामियां दूर करके हमसे कई गुना ताकतवर बन चुके हैं। हमें इस जदीद दुनिया में अपनी अकालियत का लोहा मनवाना पड़ेगा।